नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी घटना, अपराध की बड़ी घटना, मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त अंतर्गत 2 जून को सुबह 8 बजे के करीब उत्तन के किनारे पर एक बेग में सरकटी लाश मिली थी। सरकटी लाश थी, महिला की लाश थी। अब जब लाश के ऊपर, धड़ के ऊपर सर ही नहीं है, तो उसका खुलासा किया जाना काफी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पुलिस ने मामले की छानबीन की और मामले की तह में जाने के लिए जो सुराग थे उनको खंगालना शुरू किया। महिला के हाथ पर एक विशेष प्रकार का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू को भी खास तौर पर जांच का अपना केंद्र बिंदु बनाया और मीरा भाईंदर वसई विरार की हद में जितने टैटू शॉप है उन पर जाकर उसकी डिटेल निकालनी चाहिए कि ये टैटू किसने बनवाया, कब बनवाया। और कहीं ना कहीं पुलिस की इस मुहिम में पुलिस को सफलता मिली। एक दुकानदार ने ये टैटू अपने यहां से बनवाया हुआ है, इसकी जानकारी पुलिस को दी और साथ ही साथ ये जानकारी दी कि टैटू बनवाने वाला कौन था। तब पुलिस आरोपी मिंटू सिंह तक पहुंची। हालांकि मिंटू सिंह भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसको, आरोपी को धर दबोचा और आरोपी से जब मामले की छानबीन की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी मृतका अंजलि मिंटू सिंह, जिसका कत्ल हुआ था, आरोपी ने खुद अपनी ही पत्नी का कत्ल किया था और सर को धड़ से अलग कर दिया। यह कत्ल कुछ दिनों पहले अंजाम दिया गया था और अंजाम देने के बाद में धड़ को अलग फेंका गया, वहीं सर को अलग फेंका गया। मिंटू सिंह के इस अपराध में उसके भाई ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ही आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को बॉडी के कुछ पार्ट मिले हैं, अभी भी सर नहीं मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और मामले की जांच जारी है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के उपायुक्त जयंत भदवाले ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो आगे सुनिए आप वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, कल समुद्र किनारे डेड बॉडी मिला, क्या पूरा मामला है? कल उत्तन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में सुबह 8 बजे एक मछुआरे ने इन्फॉर्मेशन दिया कि एक लावारिस बैग मिला है। मौके पे हमारी उत्तन पुलिस स्टेशन की टीम जाके उन्होंने ये बैग ओपन किया तो वहाँ पे उनको एक बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें कि पंचनामा करके हमने वो इन्वेस्टिगेशन किया तो एक फीमेल बॉडी निष्पन्न हुई थी, जिसमें हेडलेस बॉडी मिली थी। वो उत्तन पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में 65/23 सेक्शन 302 और 201 अन्वय अनुसार गुना दाखिल किया था। इसमें हमने जो जगह पे एविडेंसेस मिले थे, बैग था, पॉलीथीन बैग था, जो विक्टिम लेडी थी, डिसीज्ड फीमेल थी, उसके हाथ में टैटू था, ये सब जो एविडेंसेस मिले थे, क्ल्यू मिले थे, उसके बेसिस पे हमने जोन 1 के भाईंदर पुलिस स्टेशन, उत्तन पुलिस स्टेशन और काशीमेरा पुलिस स्टेशन, इनकी अलग अलग टीमें बनवाई थी, जिसमें ACP दीपाली खन्ना और PI करांडे, API गांगुडे और PSI लांडे, इनके नेतृत्व में ये टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें टैटू निकालने वाले जो कि जिसमें जितने भी शॉप्स है वहाँ पे इंक्वायरी किया तो एक क्ल्यू मिला था कि ऐसा ऐसा टैटू एक बंदे ने निकाला है। उसके बेसिस में मैंने टेक्निकल एनालिसिस और CCTV फुटेज इसका सब एनालिसिस करके जो मेन एक्यूज्ड है, जो कि मिंटू सिंह करके है, वो बिहार का है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का, वो एब्सकॉन्ड होने की तैयारी में था। दादर पुलिस स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन से उसको हमने कैच किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में और आगे इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि इसने कैरेक्टर का वो जो डाउट था, उसके जो बीवी थी अंजलि सिंह,
वो हमेशा उनके कैरेक्टर की वजह से झगड़ा होता था, और दिनांक 24 मई को उसने 4 बजे ही उसका कत्ल किया था, और बॉडी पार्ट्स अलग करके एक बैग में भर के भाई को बुला के उसको एक चैनल है वहाँ पे फेंक दिया था। एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन में वो रिवील हो जाएगा। तो इसने ये बॉडी डिस्पोज ऑफ किया था, कल ये बॉडी उत्तर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मिला था। आगे की छानबीन चालू है, जहाँ पे हेड का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, कौन सा वेपन यूज किया है, कहाँ पे फेंक दिया है, ये अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाएगा। नहीं, उस दिन उसी दिन उसने फेंका है, फिलहाल तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यही रिवील हुआ है, उसी दिन डिस्पोज ऑफ किया है, भाई का उसने हेल्प लिया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पीआई करांडी एसीपी दीपाली खन्ना की गाइडेंस में काशीमेरा के एपीआई गांगुरडे स्पेशल में मेंशन करूंगा, पीएसआई लांडे और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इनके एफर्ट्स की वजह से ये गुना डिटेक्ट हुआ। सर, बरामद हुआ क्या और ये घटना कैसे अंजाम दिया और कैसे फेंका? ये अभी तक कल रात को हमने आरोपियों को अरेस्ट किया है, इसमें अभी तक सर बरामद नहीं हुआ है, जहाँ पे फेंका है वहाँ पे सर्च करने का भी ये इन्वेस्टिगेशन में आगे का काम हमारा रहेगा। बाकी जो आप बताए कि वेपन वगैरह जो है चीजें, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीज की। ये 24 तारीख को उनका झगड़ा हो गया, 4 बजे उसने फिर उसका सर पटक दिया था और चाकू लेके फटक से उसका सर अलग किया था। बाद में उसको ये रिवील हुआ कि अभी इसका क्या करे, तो उसने फिर दिमाग में उसका आइडिया है कि अभी ये कुछ ना कुछ करके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और भाग जाते हैं। तो उसने ये बॉडी का 2 पार्ट किया था, और हेड अलग, टॉर्सो अलग और लोअर बॉडी को अलग किया और बैग में भरा था। सर जो है अलग तरह बैग में रखा था, वो अभी तक मिला नहीं है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में सर्च कर। हाँ, सब पानी में फेंका है। आरोपी और मृतका का क्या संबंध है सर? आरोपी है जो, जिसकी मृतका संबंध क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी जो है मिंटू सिंह, ये बिहार का रहवासी है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का, और जो उसकी वाइफ है वो नेपाल की है, लेकिन बॉर्डर पे है। उसका जो भाई है वो चारकोप में एक यहाँ पे सिक्योरिटी में वॉचमैन का काम करता है वो भी। इसमें हमने बहिंदर उत्तर पुलिस स्टेशन की ही 3 टीमें काम कर रही थी, जिसमें जो क्लू मिले थे उस क्लू के हिसाब से अलग अलग टीमें बनाई थी, बहिंदर पुलिस स्टेशन, नौगर पुलिस स्टेशन, काशीमेरा पुलिस स्टेशन, ऐसे 4-5 टीमें हमारी काम कर रही थी। इसमें बेसिकली सुराग तो यही था कि पहले मिसिंग हम चेक कर रहे थे, उसके बाद हमें टैटू का सुराग बहुत अच्छा मिल गया था। टैटू जितने भी टैटू करने वाले जो लोग हैं उनके पास हमने इंक्वायरी की, ये टैटू कहाँ से ऐसा किया था, और जनरली एक मछुआरे का एक्सपीरियंस रहता है कि बॉडी कहाँ से आ सकती है, तो वो एरिया पे हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। अभी ये उन्होंने एक खाड़ी में फेंका है, एग्जैक्ट जगह पता नहीं है, लोकेशन अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाएगा। पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी आरोपी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि उसका हेड गायब था, कितनी बड़ी चुनौती? ये बहुत ही मुश्किल मामला था, क्योंकि टैटू तो अभी हर एक डेड बॉडी पे हमें मिलते हैं, लेकिन टैटू से हर एक क्राइम डिटेक्ट होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसमें हमारी टीम ने बहुत स्किलफुली और टैक्टफुली ये मामला इन्वेस्टिगेट किया है और हम डिटेक्ट करने में काम कर रहे हैं। ये हत्या को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा था, वो हिंदू मुस्लिम के रंग देने की कोशिश की जा रही थी, क्या वैसा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क